हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरमान अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या पीसी है लैपटॉप है तो आप इन तीनों डिवाइस में से किसी भी डिवाइस को चूज कर सकते हो और उसके जरिए गाइस आप अपने एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिकली यही बताऊंगा कि कैसे एक YouTube चैनल को क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो थोड़ी ही देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे एक YouTube चैनल को क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहना। YouTube चैनल बनाने के लिए आप लोगों के पास दो चीजें होना चाहिए, एक तो इंटरनेट होना चाहिए और जो दूसरी चीज है वो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप या पीसी है तो आप उनमें से कोई भी एक डिवाइस को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये दो चीज है तो आप इन दोनों चीजों की मदद से गाइस आप भी एक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। और सबसे जो जरूरी चीज होती है इंटरनेट होने के साथ ही वो होती है जीमेल आईडी। अगर आपका एक जीमेल आईडी पहले से ही है तो आप उसी जीमेल आईडी से बनाओगे यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी नहीं है तो आप लोगों को एक जीमेल आईडी बनानी होगी और उसी जीमेल आईडी से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक जीमेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को एक जीमेल आईडी भी बनानी होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को पहले बताऊं कैसे जीमेल आईडी को बनाया जाता है और सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा कैसे यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है जीमेल आईडी से। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को मोबाइल पे ले जाकर रास्ते में बताऊंगा कैसे एक यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है। अगर आप ही गाइस अपने मोबाइल से बनाना चाहते हो तो मोबाइल से बना सकते हो और उसी सेम प्रोसेस से आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी बना सकते हो। ये तीनों जगहों पर काम करता है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर ले जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले कैसे जीमेल आईडी क्रिएट किया जाता है, सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है जीमेल आईडी से। चलते हैं पहले मोबाइल की स्क्रीन पे। हे गाइस, आप सभी लोगों को पहले तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। थ्री डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेनी है, सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाकर आपको यहाँ पर सर्च करना है gmail.com, ये डालकर आपको सर्च कर देनी है। अभी आपके सामने यहाँ पे जीमेल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। क्रिएट एन अकाउंट पे आपको टैप करनी है। ऊपर में आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम को डाल देना है और जैसे आप ऊपर में फर्स्ट नाम डाल तो नीचे लास्ट नेम डालना है। अपने यहाँ पे नीचे लास्ट नाम डाल देना है, उसके जस्ट नीचे आपको यूज़र नेम डालनी है, जो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल लेता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं अपने नेम से यहाँ पे यूज़र नेम बनाऊँगा तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि गाइस मेरे नेम से पहले से ही कोई बना चुका है तो इसलिए मेरे नेम से नहीं बन चुकी है। तो मैं यहाँ पर कोई और भी यहाँ पर टेक्निक को आजमाता हूँ। यहाँ पर गाइस देख सकते हो AA78907890 मैंने डबल बेड टैप किया है और फिर यहाँ पर देखते हो इस नाम से भी नहीं बन सकती है। नीचे एक अवेलेबल का ऑप्शन है, इस पर जैसे आप टैप करोगे तो ये देख सकते हो अवेलेबल हो जाएगी। पासवर्ड पे मैं टैप करूंगा। पासवर्ड पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे कोई एक पासवर्ड को डाल लेता हूँ। आपको यहाँ पे जो पासवर्ड डालनी है वही सेम पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म में डालनी है। जो पासवर्ड आप डालोगे वो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होनी चाहिए, लेटर्स में हो, नंबर्स में हो, सिम्बल्स में हो, यहाँ पर मिक्सर में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर गाइस अच्छा से पासवर्ड डाल सकते हो ताकि कोई भी बंदा आपके यहाँ पर जीमेल आई डी को ओपन ना कर सके। नेक्स्ट के बटन पर आप लोग को टैप कर देनी है। जैसे आप टैप कर दोगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगी तो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर बस भी डाल देना है, जो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को पहले डाल लेता हूँ। आपको नीचे वाले में कोई एक रिकवरी ईमेल एड्रेस को भी डालनी होगी। कभी भी आप अचानक में पासवर्ड को भूल जाते हो अपने जीमेल की तो आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस पे टैप कर रिकवर कर सकते हो अपनी इसी ईमेल को। और साथ में यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे जो भी मंथ सेलेक्ट करनी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जस्ट आप लोगों को यहाँ पर ईयर भी देना होगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर जेंडर देनी होगी, जो भी आप जेंडर उस जेंडर को सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पर टैप करोगे अभी यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगी, जो कि एक ओटीपी मांगेगी और आपको उसी ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। तो अभी पहले उस ओटीपी नंबर को आ जाने देते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोगों का जो जीमेल है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फटाक से डाल लेता हूँ उस ओटीपी को और जैसे मैंने यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड डाल दिया, यस आई एम इन पर टैप कर देनी है। जैसे आप इस पर भी टैप करें तो आई एग्री पर टैप कर देनी है। आई एग्री पर जैसे आप टैप करोगे गाइस अभी आपका जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही आसान था जीमेल आईडी क्रिएट करना और आप ऐसे ही आप भी अपना जीमेल आईडी बना सकते हो। तो पहले इसे लोडिंग हो जाने देते हैं। तो अब हम लोगों का जब जीमेल आईडी बन जाएगा तो हम लोग बनाएंगे यूट्यूब चैनल।
फाइनली गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को जो जीमेल आईडी वो बन चुकी है। तो अब आते हैं कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउजर को ही ओपन करने होगी, उसके बाद थ्री डॉट पे टैप कर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे सर्च बार में जाकर सर्च करना होगा YouTube, जैसे आप YouTube.com लगा कर सर्च करते हो अभी YouTube का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगी। फिर थ्री डॉट पे आप लोगों को टैप करके ही रखना होगा और डेस्कटॉप साइट को देख लेना होगा। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन है तो सही है, अगर नहीं है तो आप लोगों को ओपन कर लेनी है। और यहाँ पे आप लोगों को जो देखने को मिली आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्स होगी, सबसे कोने में इस पर टैप करनी है। और यहाँ पे जो देखने को मिली फर्स्ट नंबर पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन पे टैप करना है, गेट स्टार्टेड पे टैप करनी है। अगर आप इसी नेम से बनाना चाहते हो, देख तो मैंने अपना अरमान अंसारी नेम रखा है, तो अगर आप इसी नेम से बनाना चाहते हो तो अपना इसी नेम से बना सकते हो, अदरवाइज आप कस्टम नेम भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट मैं टैप करता हूँ और कस्टम नेम एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रखूँगा अपने चैनल का नाम टेक्निकल अरमान। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे टेक्निकल अरमान रख लेता हूँ और यहाँ पे टिक पे टैप करके क्रिएट पे टैप कर देनी है तो हमारा जो है चैनल वो क्रिएट हो जाएगी। तो पहले मैं कोई एक ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ अपने चैनल को, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बना है हम लोगों का चैनल। फाइनली गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों के जो यूट्यूब चैनल है वो बन चुकी है, जो मैंने यहाँ पे टेक्निकल अरमान की नेम से यूट्यूब चैनल बनाई है वो देख सकते हो यहाँ पे बन चुकी है यूट्यूब चैनल। योर चैनल पे जाना है और योर चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे सब कुछ सेटिंग कर सकते हो। वीडियोज अपलोड करना चाहो तो वीडियो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे लोगो बनाई जाती है और लोगों का कैसे सेटअप किया जाता है, यानी कैसे लोगो लगाई जाती है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो कैसे बनी और किस तरह से बनने के बाद तैयार हुई है, तो मैंने सब कुछ आप लोगों के लाइव प्रूफ के साथ दिखाई चुका हूं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगा कैसे एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है अपने स्मार्टफोन से। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको इस वीडियो में एक जीमेल आईडी भी बनाने आ गई और साथ में इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि यूट्यूब चैनल को कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को दोनों चीजें सीखने को मिली इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर सकते हो और साथ में गाइस इस वीडियो के जस्ट एक और वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को सिखाऊंगा एक यूट्यूब चैनल का लोगो कैसे बनाया जाता है पिक्सल ऐप से। अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हो भी प्रोफेशनल लोगो खुद से, तो आप लोगों को वो वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ेगी। वो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा आई बटन में और वीडियो के लास्ट में, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो कि यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे बनाई जाती है पिक्सल ऐप से। तो फाइनली गाइस उस वीडियो को भी देखना और उसके बाद भी मैं आप लोगों को कुछ और दिन बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊं कैसे प्रीमियम वाले लोगो कैसे बनाई जाती है जो कि प्रोफेशनल देखने में लगे, वो भी वेबसाइट के जरिए फ्री में। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि आप सभी लोगों को सारी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।